देख रहे हैं नेक्स्ट आई न्यूज और मैं हूं आपके साथ नैंसी सेठी। लोकसभा चुनाव के छठा चरण भी पूरा हो चुका है, महज एक यानी कि सातवां चरण रह चुका है जो 19 मई को होगा और 23 मई को। वो एक ऐसा ऐतिहासिक दिन होगा जहां पर हर किसी की निगाहें सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन पर होंगी कि आखिरकार कौन सी पार्टी 5 साल के लिए सत्ता संभालेगी और उस राज गद्दी पर अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे या फिर प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। ऐसे में 6 चरण हो चुके हैं मगर अब भी तमाम सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टी के बीच जुबानी जंग बाकी है। हाल ही में प्रियंका गांधी वाड्रा नरेंद्र मोदी पर जम के तंज कसती देखी गई। उन्होंने बीजेपी को भी आड़ो हाथे लिया। जी हाँ, उन्होंने पूरी सरकार को लेकर तमाम ऐसे शब्दों का यूज किया, तमाम ऐसी चीजें कही जो वाकई ही हैरान कर देने वाली है। अब किस तरह से ये जुबानी जंग हो रही है देखिए आप हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खान मार्केट गैंग वाली टिप्पणी पर अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को पलटवार किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान ये टिप्पणी की थी। छठे चरण के मतदान के दौरान वोट डालने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि यदि पीएम ने 50 घंटे भी तप किए होते तो वो आज नफरत की भाषा नहीं बोल रहे होते। राहुल गांधी बोले कि पीएम ये चुनाव नफरत के आधार पर लड़ रहे हैं जबकि कांग्रेस प्यार का मुकाबला कर रही है। ऐसे में जब नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने कहा था, मोदी की छवि दिल्ली के खान मार्केट के गैंग के लिए नहीं बनी है, लुटियंस दिल्ली ने नहीं बनाई है, 45 साल की मोदी की तपस्या ने छवि बनाई है, अच्छी है या फिर बुरी है लेकिन आप इसे नहीं बिगाड़ सकते हैं। लेकिन लुटियंस और खान मार्केट गैंग ने पूर्व प्रधानमंत्री के लिए मिस्टर क्लीन की छवि बनाई रखी थी। इसका अंत कैसा होगा, मेरी छवि ये मेरा जवाब था। खोजबीन करना और लोगों को बताना आपका काम क्या है। इस पर प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर जवाब देती है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साफ तौर पर ये कहा कि अगर 50 घंटे की तपस्या कर ली होती तो इस तरह से नफरत भरी बातें नहीं करते। लोग परेशान हैं और संकट में हैं। मोदी जी असली मुद्दे पर बात करने की जगह बेहतरीन अलग अलग बातें कर रहे हैं, बातों को घुमा रहे हैं। अब लोग अपना गुस्सा दिखाएंगे। यकीनन ये देखना होगा कि क्या सच में अब लोग अपना गुस्सा दिखाएंगे, क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पीछे हट जाएंगे और फिर राहुल गांधी को ये सियासत और ये राजगद्दी मिलेगी। क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं इस बारी ये चुनाव हार जाएंगे। 6 चरण हो चुके हैं और 6 चरण के बाद महज एक चरण और रह चुका है जो है 7वां चरण, जहां पर 19 मई को 7वां चरण हो जाएगा और 23 मई को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये चीजें अब साफ होने लगी हैं कि आखिरकार देश की जनता चाहती क्या है। जो लहर 2014 में नरेंद्र मोदी के लिए देखी जा रही थी, जो लहर 2014 में बीजेपी की थी, वो लहर अब कम इन 5 सालों में हुई है। हालांकि फैसला और नतीजा ही बताएगा कि क्या सच में ये लहर कम हुई है। जो बातें यहाँ पर कही जा रही है कि ये लहर अब नमो लहर नहीं रह गई, अब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही है, तो क्या राहुल गांधी को देश की जनता चुनेगी? क्या एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता में आएगी या फिर इस बारी की सत्ता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी पार्टी निभाती देखी जाएगी। यकीनन देखा आपने कि किस तरह से चुनावों के महज आखिरी चरण से पहले अब जुबानी जंग का ये जो सिलसिला है, हालांकि ये सिलसिला तो चुनावों से ही देखा जा रहा है मगर जिस तरह से समय पास आ रहा है, जिस तरह से वो 23 मई की तारीख पास आ रही है, हर एक नेता हर एक पार्टी यही चाहती है कि आखिरकार
पांच साल की सत्ता और ये सियासत उनकी झोली में आ गिरे। हालांकि ये फैसला देश की जनता यानी कि आप सभी ने किया है, क्योंकि मतदान देना हमारा हक है। आप किसी को ब्लेम नहीं, मतदान करके सरकार बदले। अक्सर ही आपने तमाम ऐसे स्लोगन्स भी सुने होंगे और यकीनन ही 6 चरण हो चुके हैं। अगर आप सभी के राज्य में भी मतदान हो चुका है तो हमें यही लगता है कि आपने भी अपनी पसंदीदार पार्टी को मतदान किया होगा, या फिर अगर 7वें चरण में आपके राज्य में मतदान है तो आप अपने वोट को अच्छे से दें, सोच समझ कर दें, क्योंकि ये देश की बात है और कहीं ना कहीं अगर देश आगे बढ़ेगा तभी ही जनता भी आगे बढ़ेगी। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।